कितना अच्छा लगता है ना जब हम राहों में अकेले ही निकल जाते हैं, कितना अच्छा लगता है ना जब हम प्रकृति की गोद में जाते हैं, कितना अच्छा लगता है ना जब हम खुद से अपना दर्द छिपाते हैं, कितना अच्छा लगता है ना जब हम अनजान रास्तों पर मंजिल का रास्ता पूछते हैं। गिरजा मंदिर जाना है, गिरजा मंदिर आपको भी गिरजा जाना है क्या? अच्छा, 40-40 रुपए मांग रहे हैं तो 40-40 रुपए मांग रहे हैं। अरे इतना ज्यादा मांग रहे हैं आप तो। चलो फिर, चलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं गिरजिया। मॉर्निंग में सुबह पहाड़ों के बीच जाने का मन किया तो सोचा आज कुछ नया किया जाए। बस निकल आए इन रास्तों पर खुद को सुकून देने के लिए और आपको कुछ नया दिखाने के लिए। वैसे कितना अच्छा लगता है ना इन वादियों में आती हवा आपके मुंह को छूती है और आपका आप ही से परिचय कराती है। कितना अच्छा लगता है ना जब हम वो कर रहे होते हैं जो हम करना चाहते हैं। अंदर की तरफ ऐसी बहुत सारी दुकानें हैं, ये देखो काफी, कितना अच्छा फील आ रहा है। बहुत टाइम से यार देखा ही नहीं था मैंने भी कुछ भी। ये बहुत सारी चीजें मिलती हैं और ये यहीं से नहीं है, बहुत पीछे से लेकर के यहाँ तक बहुत ज्यादा दुकान है। वैसे कितना अच्छा लगता है ना जब हम खुद के लिए अपना खुद का ही टाइम निकालते हैं। कितना अच्छा लगता है ना जब हम कुदरत की बनाई नई नई चीजों को देखते हैं। और ये है माँ गिरजिया माता का मंदिर, ये देखिए। वाह, बहुत सारे लोग फोटो खिंचा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कितने लोग नहा रहे हैं यार, ये देखो। वाह, मैं भी ट्राई करूंगा यार, मैं भी नहाऊंगा यार, मजा आ रहा है ना। इस पप्पी को देखिए, कुछ था यार स्मार्ट। इधर भी पहाड़, पीछे भी पहाड़, साइड में माता रानी का मंदिर, उधर की तरफ भी पहाड़ है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। और सुबह मैं यही फील कर रहा था कि यार पहाड़ों के बीच में चलते हैं यार, बहुत हो गया, मतलब 1-1.5 महीने से मैं कभी ऐसी प्लेस पर गया भी नहीं था, तो अब अच्छा लग रहा है यार। वीडियो बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊंगा, बस ऐसी सुबह उठकर मैं आ गया। लेकिन यार वो होती है ना, एक चीज की सारा नहीं बनाऊ तो दिक्कत आ जाती है और खुजली होने लग जाती है वो वीडियो वाली, तो फिर मैंने सोचा बना देता हूँ, आप सभी लोग भी देख ही लोगे यार जो देखना चाहते हैं। एक चीज दिखाता हूँ, देखो ये चीज देखकर आप काफी हैरान हो जाएंगे कि जो माता रानी के मंदिर है ना, ये वाला जो मेरे पीछे है, इसके लिए जो प्रसाद की लाइन है वो कहाँ तक लगी पड़ी है वो चेक कीजिए गाइस। यहाँ माता रानी का प्रसाद चढ़ेगा और ये देखिए ये चेक कीजिए गाइस, ये देखो कहाँ तक लाइन लगी है ये माता रानी की, वहां तक। यहाँ खतरों से खेलता हुआ मैं, मुझे जाना है उधर की तरफ। और ये देखो पत्थर से फिसला तो यहीं गिर जाऊंगा और कोई मेरे साथ भी नहीं है यार। अब मैं किसी को बोलता कि यार चलो चलो इतनी देर में यार, मैं सोचा चल ही ले रहे हैं। वाओ, बस ये काफी कठिन है। हो गया। वैसे कितना अच्छा लगता है ना जब हम देखते हैं कि लोग प्रकृति की गोद में अपना समय बिताते हैं। नहाने के लिए इतना खर्चा कर लिया, ये देखो 100-100 रुपए के दोनों ले लिए यार। मैंने सोचा यार ले लेते हैं, क्या करें,
अब नहाना है, खूब मजे लेने हैं यहीं पर ही। पानी ठंडा ठंडा होगा, बीच में नहाऊंगा, बिल्कुल पुल के नीचे नहीं नहा रहा रहेगा, कहीं ऊपर से कुछ गिर जाए, उधर की तरफ जाकर नहाएंगे। तो भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे अपने भाई से, यार मेरा वीडियो बना देगा, बनाएगा ना? मान गया भाई, मान गया। कितना अच्छा लगता है ना जब हम दूसरों को खुश देखते हैं। वैसे कितना अच्छा लगता है ना अपने आप को खुश देखकर खुश होना। कितना अच्छा लगता है ना जब हम प्रकृति को अपनी माँ समझकर उसकी गोद में सो जाते हैं। कितना अच्छा लगता है ना। इसी चीज का तो मैं इंतजार कर रहा था यार। अबे ये कौन आ गया? मैं एक तो डरा दिया, मैं सोच रहा था सांप आ गया, मैं इसको उठा था। अबे लुटिया, ये देख रहा हूँ क्या मैं? क्या भाई इसी फोन पर आने में अच्छा है यार, आ गया। वैसे कितना अच्छा लगता है ना जब हमारी वजह से कोई खुश होता है। पूरे आधे घंटे तक खूब ही रहा हूँ दबा के, इधर उधर सभी जगह रहा हूँ पूरे एरिया में, बट मजा आ गया यार। जो अजीब सा लग रहा था, जो जिस चीज की कमी महसूस हो रही थी ना, वो पूरी हो गई है यार। वाकई में यार नेचर में वो ताकत है जो एक हीलिंग पावर है, एक दवा की तरह है हमारा नेचर। मैं जो नहाया था वो इस पूरे वहां से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ सब में नहाता हुआ आया था, खूब नहाया खूब। वैसे कितना अच्छा लगता है ना जब हम महसूस करते हैं चाहे कोई भी हमारा साथ छोड़ दे, पर ये हवा, ये पानी, ये पेड़, ये प्रकृति हमारा साथ अंतिम सांसों के बाद भी नहीं छोड़ेगी। वैसे तो सब ठीक है, लेकिन भूख लगने लग गई है थोड़ी सी, तो यहाँ पर खाना पीना तो है नहीं, मतलब खाना ऊपर की तरफ मिलेगा, यहाँ पर नहीं है, तो मैं नींबू शिकंजी है वो पी लेता हूँ। जस्ट इसी के सामने था एक होटल, तो उसके अंदर आए हैं, तो मैं प्राइस बता देता हूँ आपको। खाने का जो फुल प्लेट प्राइस है, चार रोटियां जो भी आएगा वो देख लेना, अभी 100 रुपये है। 80 रुपये दाल चावल है, दाल रोटी भी 80 रुपये है, और फुल प्लेट 100 रुपये है। आज का सफर काफी अच्छा रहा, प्रकृति की गोद में कुछ पल बिताए, और आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप भी प्रकृति की गोद में कुछ पल बिताएं, और प्रकृति को गंदा मत कीजिए, क्योंकि हमसे ये हवा नहीं, हमसे ये पानी नहीं, हम इस प्रकृति से हैं। कितना अच्छा लगता है ना ये बताते हुए कि हम इस प्रकृति से हैं। आज की ये लाइनें आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये स्टाइल आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे स्टाइल में कुछ और चाहिए तो डेफिनेटली बता सकते हैं। आपसे मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का। बाय।